हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सैटजिन टैबलेट्स के बारे में। ये एक एंटी एलर्जिकल टैबलेट है। इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, डोजेज और किन लोगों को इस टैबलेट को यूज़ करने से बचना चाहिए, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, सैटजिन टैबलेट डॉक्टर रेड्डीज कंपनी की बनाई हुई प्रोडक्ट है। यह 15 टैबलेट्स के स्ट्रिप में आती है और इसकी MRP प्राइस 27 रुपीज़ है। अगर आप दोस्तों इसका जेनरिक ब्रांड लेते हो तो आपको CTZ नाम से, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नाम पॉपुलर है, यह 15 रुपये के आपको 15 टैबलेट्स के स्ट्रिप में मिल जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको अलग अलग नामों से कई सारे कंपनियों की मिल जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों इसके अंदर का अगर इंग्रेडिएंट्स सेम हो तो आप कोई सा भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है, यानी कि इसके अंदर का कंपोजिशन, वो है सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg। तो आइए आपको बता देते हैं इसके यूजेस के बारे में। इस टैबलेट का खास करके दोस्तों यूज़ एलर्जी के लिए किया जाता है, जैसे कि सर्दी, जुखाम, नाक से पानी निकलना या बार बार छींक आना, आँखों का लाल हो जाना या फिर आँखों से पानी आना, या फिर पूरे शरीर पे अगर खुजली या इचिंग जैसी समस्या हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा कोई अगर छोटा मोटा कीड़ा काट लेता है और सूजन जैसा रेडनेस टाइप का हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी इस टैबलेट का उपयोग होता है। और इस टैबलेट को और भी अलग अलग मामलों में डॉक्टर इसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और इसकी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छी होती है। तो अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों इस टैबलेट को किन लोगों को यूज़ करने से बचना चाहिए। तो जो लोग दोस्तों लीवर, किडनी की समस्या से ग्रसित है, परेशान है, और जिनको सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड इंग्रेडिएंट से एलर्जी होता हो, तो वो लोग इस टैबलेट को यूज़ करने से बचे। और प्रेगनेंसी के दौरान भी इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। अब हम आपको बता देते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो नॉर्मली दोस्तों इस टैबलेट के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस प्रकार की समस्या हो सकती है। ज़्यादा नींद आना, या फिर आपको ऐसा माथा भारी भारी लग सकता है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो या फिर आप मशीन चलाते हो, तो ऐसे कंडीशन में आप इस टैबलेट को खा के ऐसा मतलब कि गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। और दोस्तों शराब के साथ इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस मेडिसिन के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।